खबर राजस्थान स्टेट ओपन के परिणाम में अधिकारियों ने बड़ी चूक कर दी है। 12वीं का रिजल्ट मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यहाँ पर जारी किया है। स्क्रीन पर लिखा दिख रहा था 10वीं का रिजल्ट और ये आप देख सकते हैं अधिकारियों से ये बड़ी चूक हुई है। जब स्क्रीन पर रिजल्ट घोषित किया गया 12वीं का रिजल्ट था जिसे मंत्री गोविंद डोटासरा जारी कर रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर लिखा नजर आया 10वीं का रिजल्ट, ये बड़ी चूक हुई। और बड़ी बात, किसी की नजर भी इस पर नहीं गई जब इससे पहले पूरी तैयारी कर ली गई थी, रिजल्ट जारी किया जाना था। ऐसे में भी किसी भी अधिकारी की नजर इस पर नहीं गई और आप देख सकते हैं लाल घेरे में टीवी स्क्रीन पर 10वीं का रिजल्ट घोषित करने दर्शाया गया यहां पर। और चलिए सब आता मदन कलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मदन, बड़ी चूक है अधिकारियों द्वारा, बड़ी बात की किसी की नजर नहीं पड़ी परिणाम जारी करने से पहले। श्वेता, आमतौर पर रिजल्ट जब जारी किया जाता है शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं और ये चूंकि बड़ा रिजल्ट है, खुद मंत्री जारी कर रहे हैं और यहाँ पर अधिकारियों की बड़ी चूक सामने आई है और आमतौर पर इस तरह की चूक शायद पहले कभी नहीं आई होगी। क्योंकि 12वीं स्टेट ओपन का रिजल्ट जारी कर रहे थे, मंत्री ने कंप्यूटर का बटन दबा दिया और रिजल्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही जो टॉपर थे उनको बधाई देने का दौर चल रहा था। इसी दौरान फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले मंत्री जी को बताया कि ये आपके स्क्रीन पर 10वीं के रिजल्ट शो कर रहा है, तो उसी समय उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, फर्स्ट इंडिया का आभार जताया और इसके बाद में उन्होंने उसको दुरुस्त करवाया। लेकिन ये बहुत बड़ी चूक है, जिन अधिकारियों ने ये गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल मदन, तो क्या आश्वस्त किया है शिक्षा मंत्री ने कि कार्रवाई होगी अधिकारियों के खिलाफ, ये बड़ी चूक है माना है उन्होंने? जी, शिक्षा मंत्री इस वक्त मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं परिणाम को लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में ये बड़ी चूक है और चूंकि 12वीं का रिजल्ट है और दर्शा दिया गया 10वीं का रिजल्ट और स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, किसी अधिकारी की इस पे निगाह नहीं रही। वो फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले मंत्री का इस और ध्यान दिलाया और उन्होंने तत्काल निर्देश देकर उस स्क्रीन पर 10वीं का रिजल्ट हटवा कर 12वीं का रिजल्ट शो करवाया। जी मदन, क्या अधिकारियों ने इसे लेकर कोई सफाई दी? जी फिलहाल क्योंकि एक बड़ी मीटिंग चल रही है रिजल्ट के साथ ही, इसलिए अधिकारियों से हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन यह तय है कि यह गलती जो क्योंकि तमाम चैनल्स पे इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है और ये बड़ी चूक सामने आई है। ऐसे में निश्चित तौर पर बैठक खत्म होने के बाद में अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। बिल्कुल मदन, क्योंकि मीटिंग चल रही है इसलिए अभी कार्रवाई नहीं, लेकिन कार्रवाई के बाद जरूर शिक्षा मंत्री ने कही। जिस तरह से फर्स्ट इंडिया ने इस बात पर ध्यान केंद्रित कराया कि किस तरह से 12वीं का रिजल्ट है, स्क्रीन पर 10वीं का रिजल्ट निकला हुआ है, लिखा हुआ है और अधिकारियों की बड़ी चूक है, हालांकि गलती को स्वीकार भी किया शिक्षा मंत्री ने और कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया मदन कलाल आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब ये परिणाम सामने आया, स्क्रीन पर परिणाम आया तो उस वक्त जो तस्वीर सामने आई, हालांकि किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन 12वीं का परिणाम घोषित हो रहा था और ऊपर लिखा था 10वीं का रिजल्ट और इसे फर्स्ट इंडिया ने जानकारी दी, इस पर ध्यान केंद्रित कराया। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने माना कि यहां चूक है और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिससे भी ये गलती हुई है।